हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों इस 24 स्लॉट टेबल फैन को बाइंडिंग करना है। तो यह 24 स्लॉट 2800 आरपीएम 4 कॉइल हाई स्पीड टेबल फैन है। इसके स्टेटर साइज 6 सूत का है और यह दोनों मैंने ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइल स्टार्टिंग और रनिंग बनाकर तैयार कर ली हैं, जिनकी कॉइल लेंथ है 25 इंच। और यह मैंने कॉइल के ऊपर लगाने के लिए सेपरेटर पेपर भी काट लिए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल को स्टेटर में ऐड करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हम स्टेटर के अंदर कॉइल को डालते हैं, जिसकी पिच रहेगी 1 से 8 में एक बार, 1 से 10 में एक बार और 1 से 12 में एक बार। तो बीच में हम 6 स्लॉट छोड़कर कॉइल को डालते हैं। यह हमारा इनर वायर है और यह हमारा आउटर वायर है। तो अब हम स्टेटर के दूसरी ओर आ जाते हैं और कॉइल को इस प्रकार मोड़ते हैं और अब हम इसको 1 से 10 में कॉइल को ऐड करते हैं और कॉइल डालने के बाद सेपरेटर पेपर को लगा देते हैं। इसी प्रकार अब हम कॉइल को 1 से 12 में हम कॉइल को ऐड करेंगे। तो इस प्रकार हम कॉइल को मोड़ते हैं और कॉइल स्लॉट में डालने के बाद सेपरेटर पेपर को लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह मैंने कॉइल को स्टेटर में ऐड कर लिया है और सेपरेटर पेपर भी लगा दिया है। तो यह देखिए दोस्तों, यह लेफ्ट हैंड की तरफ निकलने वाला इनर वायर है और यह राइट हैंड की तरफ निकलने वाला आउटर वायर है, जो कि इस अगली कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट कॉइल स्टेटर में ऐड करते हैं। तो इस प्रकार हम पिच वही रहेगी दोस्तों, 1 से 8 में एक बार, 1 से 10 में एक बार और 1 से 12 में एक बार। तो अब हम कॉइल को इस प्रकार स्टेटर में ऐड करते हैं और कॉइल के बीच में 6 स्लॉट छोड़कर 1 से 8 में कॉइल को ऐड कर लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, आउटर वायर से जुड़ा हुआ है और इनर वायर आमने सामने रहते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी ओर चलते हैं और इस प्रकार कॉइल को मोड़कर स्टेटर में ऐड कर लेते हैं। तो पिच वही रहेगी दोस्तों जो पहली कॉइल की पिच थी, उसी प्रकार हम इस कॉइल को भी स्टेटर में ऐड कर लेते हैं। यह 24 स्लॉट 2800 आरपीएम हाई स्पीड टेबल फैन बाइंडिंग पार्ट 2 है दोस्तों। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, यह मैंने दोनों रनिंग कॉइल स्टेटर में ऐड कर ली हैं और इसके यह इनर वायर आमने सामने हैं और आउटर वायर आमने सामने हैं। अब मैंने इनके ऊपर मेडिकल टेप को लगा लिया है। यह मेडिकल टेप चिपकने वाला रहता है दोस्तों, यह कॉइल से चिपक जाता है। अब हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल को ऐड करना शुरू करते हैं। तो इसका पिच भी रनिंग कॉइल की तरह ही 1 से 8 में एक बार, 1 से 10 में एक बार और 1 से 12 में एक बार ही रहेगा। तो बीच में हम 6 स्लॉट को छोड़ देते हैं, जो कि ऑलरेडी उसमें कॉइल डली हुई है। जिन दो कॉइलों में हम कॉइल को डालते हैं वह कॉइल खाली स्लॉट रहती है। तो यह देखिए दोस्तों, मैंने कॉइल को इसमें डाल लिया है और इसी प्रकार हम इसमें 1 से 10 में कॉइल को इस प्रकार मोड़कर स्टेटर के अंदर सेट करते हैं।
इसी प्रकार हम क्वाल को 1 से 12 में स्लॉट के अंदर क्वाल को ऐड करेंगे, इस प्रकार मोड़कर। क्वाल डालने के बाद हम इसमें इन सेपरेटर पेपर को लगा देते हैं। सेपरेटर पेपर बड़ी ही सावधानी से लगाया जाता है, कहीं कोई वायर छूट ना जाए और बॉडी से शॉर्ट ना हो जाए, इसका हम ध्यान रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह मैंने स्टार्टिंग क्वाल इसमें ऐड कर ली है और यह इसका आउटर वायर है जो कि अगली क्वाल से जुड़ा हुआ है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वाल को ऐड करेंगे जो कि स्टार्टिंग क्वाल दूसरी है, तो पिच वही रहेगा दोस्तों, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, और 6 स्लॉट छोड़कर हम स्टेटर में क्वाल को ऐड करेंगे। तो यह इस प्रकार हम स्टेटर में क्वाल को ऐड करते हैं और ऊपर से स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। इस प्रकार अब हम 1 से 12 में क्वाल को ऐड करेंगे और इसके ऊपर स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग क्वाल को भी स्टेटर में सेट कर लिया है और यह देखिए दोस्तों, यह इसके कनेक्शन वायर निकले हुए हैं जो कि सभी इनर वायर हैं। अब हम इन क्वालों को टेपिंग कर लेते हैं और इस प्रकार धागे से हम क्वाल को बांध लेते हैं दोस्तों। सभी क्वाल को इसी प्रकार हम जल्दी से टेपिंग कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हम टेपिंग कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, और टेपिंग करने के बाद इसमें गठन लगाकर धागे को काट लेते हैं। अब हम कनेक्शन तरफ टेपिंग करेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, मैंने कनेक्शनों में 1 नंबर स्लीव लगा लिया है और इन वायर का इंसुलेशन भी निकाल लिया है। अब हम इसमें कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो यह रेड वायर रनिंग क्वाल का है और यह ब्लैक वायर स्टार्टिंग क्वाल का है। तो इस प्रकार हम स्टार्टिंग क्वाल में ब्लैक वायर को लगाते हैं। दोनों कनेक्शनों में हम ब्लैक वायर को जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार हम रनिंग क्वाल में रेड वायर को जोड़ लेते हैं। तो कनेक्शन हमने कर लिए हैं दोस्तों। अब हम इसमें 2 नंबर स्लीव लगाकर टेपिंग कर लेते हैं। इस प्रकार हम धागे से कनेक्शन और भी टेपिंग करेंगे दोस्तों। अच्छी तरह टेपिंग करने के बाद अब हम इस स्टेटर को इसकी बॉडी में सेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों,
हमने टेपिंग करना शुरू कर दिया है और इस प्रकार हम टेपिंग को पूरा कर लेते हैं। यह कनेक्शन वायर बाहर निकल आते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे इसकी बॉडी में पूरी तरह सेट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस टेबल फैन की बॉडी में इस स्टेटर को पूरी तरह सेट कर लिया है और यह कनेक्शन वायर हैं जिन्हें कि अब हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेड और एक ब्लैक वायर को आपस में जोड़ लेते हैं। यह कॉमन वायर बन जाता है और यह ब्लैक और रेड वायर हमारा कैपेसिटर वायर रहता है। तो अब हम कैपेसिटर वायर में कैपेसिटर जोड़ लेते हैं। कैपेसिटर 2.5 mFD का रहता है दोस्तों। यदि फैन उल्टा चलता है तो हम रेड वायर को आपस में चेंज कर लेते हैं। तो अब हम फैन को चलाकर देखते हैं तो देखिए दोस्तों, फैन हमारा घूमने लगा है, वर्क करने लगा है। तो अब हम इसे पूरी तरह सेट करने के बाद कनेक्शन में टेप लगा देते हैं और अब हम दोबारा इस फैन को टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फैन अच्छी तरह वर्क करने लगा है, घूमने लगा है। यह 24 स्लॉट 2800 RPM हाई स्पीड टेबल फैन है जो कि अच्छी तरह से वर्क करने लगा है, घूमने लगा है और इसके हवा का थ्रू भी अच्छा है। तो इस प्रकार हम टेबल फैन की बाइंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं।